जय हिंद साथियों, मैं अजय सिंह आपका अपने चैनल प्रयागभवन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आप सभी लोग को पता है कि हमारी यूपी पुलिस की रनिंग चल रही है और हमारा और अमन भाई का एसएससी जीडी का भी फिजिकल लगा है। हम दोनों भाई का 7 तारीख को 7 अक्टूबर को फिजिकल लगा है यार, तो हम लोग भाई रनिंग स्टार्ट कर दिए हैं। पहले मैं यहाँ पे अकेले रनिंग करता था, लेकिन अब अमन भाई भी साथ हमारे आ गए हैं। आप लोग को पता ही होगा हम लोग इलाहाबाद में रनिंग करते थे, तो अब दोनों लोग यहीं पर रनिंग कर रहे हैं। तो भाई आज हम वीडियो में बात करेंगे भाई यूपी पुलिस वालों के लिए भाई, क्योंकि यूपी पुलिस के जितने भी लड़के हैं सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। हर चीज़ हर एक एक पॉइंट के बारे में उनको भाई डाउट्स होता है, तो उसी डाउट्स के बारे में भाई बात करेंगे भाई, लड़कों के बारे में भी और लड़कियों के बारे में भी। सबसे पहला हमारा भाई अमन भाई से सवाल यही रहेगा कि जैसा कि भाई अमन भाई ने 2 बार फिजिकल निकाला है एसएससी जीडी का, उनको भाई 5 किलोमीटर रनिंग करने का बहुत अच्छा अनुभव है, हमसे कुछ ज़्यादा ही अनुभव है उनको, तो उनसे भाई जानने की कोशिश करेंगे कि अमन भाई सबसे पहला लड़कों लड़कियों दोनों का डाउट रहता है कि हम रनिंग ग्राउंड पर करें या फिर क्या कहते हैं रोड पर करें, तो आपके आपकी इसके बारे में क्या राय है? यार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यार मैं बहुत ज़्यादा सजेशन मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो नहीं कर सकता, फिर भी लेकिन आपको सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि जैसे कि आप लोग का आप लोग के मन में हमेशा यही क्वेश्चन आते हैं यार कि मैं सड़क पे रनिंग करूँ या ग्राउंड पे करूँ। भाई अगर आपके गाँव में ग्राउंड उपलब्ध है तो आप लोग ग्राउंड को प्रेफर दीजिए, सड़क पर मत दौड़िए, बिल्कुल मत दौड़िए। लेकिन आपके पास ग्राउंड ही नहीं है तो क्या ही करेंगे, मरता क्या ना करता। मतलब कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि आप लोग ग्राउंड पे जाके दौड़ सकें, आपके पास है ही नहीं, वो सुविधा नहीं उपलब्ध है, तो कैसे दौड़ पाएंगे। अच्छा ये बात हमको बताइए कि इस बार जो यूपी पुलिस का जो क्या कहते हैं फिजिकल होगा वो ग्राउंड पे होगा कि क्या कहते हैं सड़क पे होगा, मतलब पिछली बार कैसे हुआ था, इस बार कैसे, कुछ अंदाजा है आपको? पिछली बार फिजिकल यूपी पुलिस वाला जो हुआ था वो ग्राउंड पे हुआ था और इस बार भी ग्राउंड पे होगा, और चिप लगा के मतलब पैर में या हाथ में कहीं भी चिप बांध देंगे वो लोग। हाँ, आपको वो जीपीएस के माध्यम से वो लोग आपका वो आप लोग जो कितने डिस्टेंस क्लियर किए हैं वो चीज़ चेक किया जाएगा, ठीक है। और ग्राउंड पर फिजिकल पिछली बार हुआ था और इस बार भी फिजिकल ग्राउंड पे ही होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जिनके पास ग्राउंड है भाई वो ग्राउंड प्रैक्टिस करते रहे, जिनके पास नहीं वो सड़क पर प्रैक्टिस करें, पर लेकिन भाई सड़क पर थोड़ा ध्यान दे के दौड़े। अगर आपके पास आपके गाँव के आसपास हाईवे है तो वही हाईवे पर ही दौड़े, क्योंकि गाँव की सड़कें आप लोग जानते होंगे, गाँव की है तो आप लोग जानते होंगे भाई, गाँव की सड़कें जो होती हैं वो उबड़ खाबड़ होती हैं भाई, पैर वैर इधर उधर मोच उस खा जाएगा और इधर उधर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपकी पूरी रेस बेकार मतलब ख़राब हो जाएगी भाई। अगर आप लोग रनिंग नहीं करते हो, मतलब कुछ होता नहीं आपके पैरों में, लेकिन रनिंग नहीं करते हो 3 दिन, तो भाई आपके पैर जकड़ जाते हैं या मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, सांस फूलने लगता है, सिन पेन होने लगता है, मतलब कि सांस लेने में ये यहाँ पे दर्द करने लगता है, तो ये चीज़ें भाई बिल्कुल मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अच्छे तरीके से दौड़ें, जो मतलब कि एक नियमबद्ध तरीके से दौड़ें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भाई। सड़क पे दौड़, जैसे हम लोग भी सड़क पे दौड़ रहे हैं, देख लो देख सकते हो हमारी जो रोड है, ये हम लोग ये वाला जो रोड आपको दिख रही होगी इस साइड हाईवे है भाई, ये वाली इधर से लेकर वहाँ तक पूरा जाते हैं एकदम, अभी यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है हम लोग का भाई। हम लोग गांव से अपने 2 किलोमीटर पैदल आए हैं, क्योंकि गांव में हम लोग भी रहते हैं, तो गांव में भाई हम लोग सड़क अच्छी नहीं थी, तो हम लोग आए हाईवे 2 किलोमीटर दूर आए पैदल, उसके बाद फिर हम लोग अपना रनिंग किए भाई। आज भगवान भी यार इतना खुश थे कि हम लोग को रनिंग भी नहीं करने दिया। हाँ यार, लगभग 3.25 किलोमीटर पर हम लोग रुक गए यार, मतलब पानी इतना भीग रहा था कि हम लोग को फोन भीगने वाला एकदम भीग गया था। हम लोग फोन लेके चल रहे थे भाई, लेकिन अच्छी टाइमिंग आ रही थी यार हम लोग की, लगभग 3200 मीटर हम लोगों ने 14 मिनट में क्लियर मतलब 14 मिनट 10 सेकंड में क्लियर कर लिया था। अब हम लोग को 1800 मीटर दौड़ना था, आराम से हो जाता भाई, लेकिन अब क्या ही बताएं यार, बारिश होने लगी तो हम लोग को रुकना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, मतलब जितना अच्छा पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा आप लोग सोचेंगे, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग ग्राउंड या सड़क पे रनिंग करने का ये मैंने क्लियर कर दिया है, और कोई क्वेरीज होगी तो अजय भाई अगर पूछेंगे मैं वो भी क्लियर। और मन भाई क्वेरीज ये है कि भाई बहुत लोग के मन में डाउट अभी ये भी आता है कि भैया हम नंगे पैर रनिंग करेंगे कि जूते में रनिंग करें, आप कैसे रनिंग करते हैं ये बताएंगे? भाई देखो यार, मैं तो शूज में करता हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल शूज में ही होता है। हाँ ठीक, बहुत से लड़कों का होता है वो बिना सूज के ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जैसे कि मैंने देखा है कि लड़के लड़कियां जिनको भी देखा है वो अगर कंफर्टेबल अगर सूज में करते हैं तो वो कर लेते हैं, मतलब उसी से रनिंग करते हैं, नहीं कर पाते हैं तो फिर नंगे पैर दौड़ते हैं, वो जो है ग्राउंड हो जो सड़क हो, सड़क पर भाई प्रॉब्लम होती है, गिट्टी निकली रहती है, वो धंस जाती हैं, तो ये चीज़ें भाई दिक्कत होने लगती है। तो ये सबसे बचने के लिए भाई आप लोग को शूज मैं प्रेफर करता हूँ, जो भी बिगनर्स हैं मतलब जो अभी रनिंग करना स्टार्ट किए हैं तो लोग अपना शूज पहन के दौड़ना स्टार्ट करेंगे, उनकी आदत पड़ जाएगी, उनकी हैबिट हो जाएगी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा भाई शूज पहन के दौड़ें। अगर ग्राउंड होता तो मैं भी कहता कि आप लोग बिना शूज के भी दौड़ सकते हैं, लेकिन भाई सड़क पर कहीं कांच है, कहीं गिट्टी निकली हुई है, कहीं सड़क उबड़ खाबड़ है, तो वो मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अमन भाई अपना जूता दिखाने को, जूता थोड़ा दिखाइए अपना कि भाई ये मेरा शूज है, सेगा कंफर्ट का है, अगर आप लोग सस्ते में लेना चाहते हैं ठीक, 700 रुपये पड़ता है भाई, सबसे लो क्वालिटी का जूता,
मींस सबसे सस्ता जूता यही है सेगा का, ये लगभग आता है, अच्छा है, अच्छा भी रहता है, मतलब क्वालिटी अच्छा। मैं भाई इसको पहन के दौड़ा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे पहले मैंने नाइक का लिया था भाई, 5 साल चला था, बहुत अच्छा शूज़ था, 2200 रुपये का लिया था। लेकिन अब भाई उतना ज़्यादा मुझे मतलब उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है फिजिकल करने का, तो मैं मतलब इतना अच्छा शूज़ ले लूँ। मैं सोचा भाई यही थोड़ा सा नॉर्मल में 600-700 रुपये में काम चला, 600 तब सभी ले सकते हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप लोग अफोर्ड कर पाओ 700 रुपये का, तो ये सेगा कम्फर्ट का ले सकते हो, क्योंकि ये फिर चलेगा भी कम से कम 1-2 साल, 3 साल तक चलेगा भी, अच्छा रनिंग करते रहोगे तो। हाँ, इसका इसका सोल वोल बहुत अच्छा है भाई, मतलब एकदम कंफर्ट है। अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये शूज़ मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ, ये शूज़ भी ले सकते हैं। ठीक, सही चीज़ है, ये चीज़ें हैं। और भाई अमन भाई, सभी लोग का डाउट होता है कि जैसे अब यूपी पुलिस में हमें 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी है 24 मिनट लड़कों को, और 2.4 किलोमीटर लगभग 14 मिनट में लड़कियों के लिए रनिंग है, तो अभी वो कितना कितना रनिंग स्टार्ट करें ताकि उनकी फिजिकल डेट आने पर उनकी फिजिकल अच्छे से तैयार हो जाए, उनको कोई समस्या ना हो। यार देखो अजय भाई, मैं बताऊँ तो जैसे बॉयज़ हैं, अगर वो और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग फिजिकल 3 से 3.5 किलोमीटर भी करते रहें। ठीक, मतलब थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करते रहें और फिजिकली फिट रहें, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो आपकी बॉडी एकदम फिट रहेगी, ना बहुत ज़्यादा ओवरवेट होंगे, ना बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा, ये चीज़ें मैनेज रहेंगी। लेकिन अगर आप लोग रनिंग ही नहीं करेंगे, और यूपी पुलिस का भाई आप लोग सिनेरियो तो जानते ही हैं भाई, रिजल्ट निकला नहीं तो 10 दिन बाद फिजिकल अभी तक पूरा रिकॉर्ड ही इसका ऐसा ही है। वही तो, इन सबसे बचने के लिए आपको अभी से फिजिकल स्टार्ट करना पड़ेगा। और लड़कियों को मैं सजेस्ट करूँ तो, जैसे उनको 14 मिनट में 2400 मीटर दौड़ना है, तो वो लोग अगर नहीं दौड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, 1 किलोमीटर दौड़ लो, 800 मीटर दौड़ लो, पर लेकिन 800 मीटर से कम मत दौड़ो, 800 मीटर दौड़ो और बढ़िया फुल बॉडी वार्म अप करो। अगर फुल बॉडी वार्म अप के लिए आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो हम लोग एक दिन एक्सरसाइज करके वो भी आपको दिखा देंगे। हाँ, कमेंट करके बताइएगा, मतलब कि रनिंग करने से पहले क्या बॉडी मतलब बॉडी क्या स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है, रनिंग करने के बाद क्या क्या एक्सरसाइज की जाती है, ये चीज़ें हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोग भाई पॉजिटिव रहो, ठीक, और फिजिकल तैयारी करते रहो। और आपने अगर और भी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे रेलवे पुलिस, रेलवे एसआई हो गया, और अभी एनटीपीसी आने वाली है, एसएससी जीडी फिर से 2025 की वैकेंसी, 39,486 पद लग गए हैं, वो लोग अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं, अगर उसमें आप लोग एलिजिबल हैं, तो वो भी तैयारी करते रहिए साथ में रनिंग करते करते। भाई पढ़ाई बिल्कुल मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ाई करते रहना है। ठीक, नहीं तो भाई अगर फिजिकल भाई जिसका 1 महीना लगा, अगर वो 1 महीने पढ़ाई छोड़ देगा तो भाई खत्म, पूरी पढ़ाई जीरो, जो आप लोगों की तैयारी की वो सब खत्म हो जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग प्लीज़ जितने भी लोग हो मोटिवेट रहो और पढ़ाई करते रहो, साथ साथ में फिजिकल करते रहो। ठीक है, तो भाई ऐसे ही सभी लोग मोटिवेटेड रहो यार। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है आपके मन में, तो भाई देखिए हम लोगों ने आज भाई लगभग 5 से 6 बातों पे डिस्कशन किया। ठीक है, आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश की। अगर ऐसे और भी कई सारे डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम लोग भाई डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो हमें नहीं पता होगा हम किसी और से पूछ के लिए बताएंगे, लेकिन जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन में, तब तक के लिए सभी भाई जय हिंद, जय भारत, जय भारत।